अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, दिस इज एमडी अफरोज, यू आर वाचिंग अवर यूट्यूब चैनल सिविल कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड। दोस्तों, जैसे कि आज की जो हमारी टॉपिक है तो वो है लिफ्ट के बारे में। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं पीछे जो है यहाँ पे लिफ्ट है, लिफ्ट का क्या डायमेंशन दिया गया है, किस तरह से लेंथ ब्रेथ और उसका जो हाइट होता है किस तरह से दिया गया है, उसका डिज़ाइन किस तरह से किया गया है, बताता हूँ इस वीडियो पे। बने रहिए इस वीडियो पे। अगर आप मेरी वीडियो ये सोशल मीडिया फेसबुक टेलीग्राम इंस्टाग्राम ट्विटर पे देख रहे हैं तो इंशाल्लाह बहुत जल्द एज सुन एज पॉसिबल हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। यूट्यूब चैनल का नाम है सिविल कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड। वेलकम बैक टू ऑल आवर यूट्यूब चैनल सिविल कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड। दोस्तों, जैसा कि ये जो एरिया है 2400 स्क्वायर फीट 30 इंटू 40 के यहाँ पे दो प्लॉट है, प्लॉट में यहाँ पे बनाया गया है और इसका साइजेस ये। और यहाँ पे जो आज की जो हमारी टॉपिक है वो लिफ्ट के बारे में है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पोर्शन है, यहाँ पे लिफ्ट का पोर्शन है, यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे नीचे, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। ओके, यहाँ पे जो पूरा डिज़ाइन किया गया है, यहाँ पे जो देख सकते हैं ये वाला जो बीम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला पूरा बीम है। बीम के ऊपर यहाँ पे जो है ब्रिक वर्क किया गया है 9 इंचेस का, ब्रिक वर्क किया गया है यहाँ पे 9 इंचेस का। और यहाँ पे जो कॉलम्स जो लिए गए हैं लिफ्ट के पास, यहाँ पे 1 फिट मीन्स 0.30 मीटर के यहाँ पे 4 कॉलम यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। ये जो वीडियो है पार्ट 3 है, पार्ट 1 पार्ट 2 में इसका क्लेरिफिकेशन है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे जो बीम है, यहाँ पे जो बीम का साइज़ है 0.30 × 0.20 मीन्स 9 इंचेस × 12 इंचेस का यहाँ पे पूरा यहाँ से बीम प्रोवाइड किया गया है बॉटम में, और उसके ऊपर यहाँ पे ब्रिक का वर्क किया गया है 9 इंचेस का। और यहाँ से यहाँ तक जो यहाँ पे जो इसका जो लेंथ होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे 6 फिट है। यहाँ से यहाँ तक मैंने ऑलरेडी मेजर किया है, यहाँ से यहाँ तक लेके 6 फिट यहाँ पे इसका है। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये हुआ लेंथ, और ये वाला इसका देख सकते हैं ब्रेथ, ये भी 6 फिट है। और जिसका जो हाइट है वो है, मैंने मेजरमेंट किया है 8.6 इंचेस मीन्स 8.5 फिट का यहाँ पे हाइट है। तो मैं आपको ये वीडियो थोड़ा सा हाइट से बताता हूँ। बने रहिए इस वीडियो पे पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी हासिल करने के लिए। सो फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं वो वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे है जो पोर्शन है लिफ्ट का पोर्शन है, मैं इससे पहले की जो वीडियो है पार्ट 1 पार्ट 2 में क्लेरिफिकेशन दिया हूँ। और लिफ्ट के नियरर यहाँ पर कॉलम देख सकते हैं, 2 फिट के यहाँ पर कॉलम्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। और यहाँ पर डबल रिंगिंग प्रोवाइड किया गया है, यहाँ पर डबल रिंगिंग मीन्स जो है जो टाइस है डबल प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे, आप इस कॉलम में आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो वाला पोर्शन है, ये लिफ्ट का पोर्शन है। तो इंशाल्लाह मैं किस तरह से यहाँ पे इस सेंटर में लिफ्ट आएगी और स्टेयरकेस किस तरह से यहाँ पे सेट करते हैं, जो स्टेयरकेस होते हैं जो लिफ्ट के करीब में आते हैं वो किस तरह से स्टेयर केस प्रोवाइड करते हैं। अब स्टेयर केस का वर्क स्टार्ट नहीं हुआ, इंशाल्लाह एज़ सून एज़ पॉसिबल मैं आपको स्टेयर केस का भी बताऊंगा। फ़िलहाल जो है लिफ्ट का यहाँ पे ऐसे में 6 फिट, ऐसे में लेंथ में 6 फिट, ब्रेथ में 6 फिट, और दोस्तों ऐसे में डीप में 8.5 फिट दिया गया है। और इसके ऊपर ये पूरा जो यहाँ पर जो वर्क हुआ है बेसमेंट तक है, ये इसके ऊपर प्लिंथ बीम आएगा, इसके ऊपर प्लिंथ बीम आएगा। जैसा कि यहाँ पर सैंड फिलिंग कर रहे हैं मीन्स जैसा कि सॉइल फिलिंग यहाँ पे कर रहे हैं, जितना भी यहाँ पे जो बेसमेंट लिया गया है, जैसा कि वर्कर्स हैं यहाँ पे सिप्टी टैंक का एक्सकवेशन हो रहा है और यहाँ पे पूरा सॉइल फिलिंग हो रहा है, बैक फिलिंग यहाँ पे कर रहे हैं। बैक फिलिंग होने के बाद उसको दुमुश करके अच्छा सा इसको कॉम्पैक्शन करके यहाँ पर प्लिंबिन डाले जाएगा। और इसका स्टेयरकेस का सेटिंग किस तरह से आता है, किस तरह से इसका स्टेयरकेस का सेटिंग दिया जाएगा, इंशाल्लाह मेरी वो नेक्स्ट वीडियो होगी, स्टेयरकेस पार्ट 1 रहेगी वो, या फिर लिफ्ट की पार्ट 4 बनाऊंगा इंशाल्लाह। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे लिफ्ट के पास
फोर कॉलम्स दिया गया है यहाँ पे एक एक फिट के, और नियरर्स में सपोर्टिंग के लिए यहाँ पे दो फिट के यहाँ पे कॉलम्स दिए गए हैं। यहाँ पे फोर दो फिट के कॉलम हैं यहाँ पे, और जो एक फिट के जो कॉलम्स हैं यहाँ पे फोर है। टोटल एट कॉलम्स यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे जो ऑफसेट है, मींस जैसा कि ये कॉलम है यहाँ पे, ये वाला कॉलम से लेके यहाँ पे जो बंदिश किया गया है यहाँ बेसमेंट का, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 फीट 6 इंचेस, 3.5 फीट जगह यहाँ पे मिल रहा है। जैसे कि स्टेयरकेस भी आया तो यहाँ पे सेटिंग्स के लिए जो उसका स्टेप्स होते हैं वो बेहतर रहेगा। और यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी 3.5 फीट हमको मिल रहा है यहाँ से। ये जो ब्रिक वर्क है, ब्रिक वर्क से लेकर यहाँ तक 3.5 फीट मिल रहा है, और वहाँ पे भी 3.5 फीट मिल रहा है। और ये टोटल स्पेस कितना रहेगा मैं बताता हूँ इस वीडियो में, बने रही इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी हासिल करने के लिए। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो टोटली जो वो कॉलम देख सकते हैं, बड़ा कॉलम देख सकते हैं वहाँ पे, ये कॉर्नर पे, ये कॉलम पे, वो कॉर्नर पे, टोटली यहाँ पे जो स्पेस है ऐसे में 12 फीट है। वहाँ से लेके यहाँ तक 12 फीट लिया गया है, और वो कॉर्नर से लेके और वो कॉलम के आउटर से ये कॉलम के आउटर तक 16 फीट 5 इंचेस, मीन्स 16.5 फीट, 16 फीट 6 इंचेस, 16.5 फीट यहाँ पे लिया गया है, और यहाँ पे 12 फीट लिया गया है। तो इतने में यहाँ पे सेट कर रहे हैं लिफ्ट और स्टेयरकेस, किस तरह से सेट करते हैं इंशाल्लाह जो मेरी मैं न्यू वीडियो में बताता हूँ। अगर दोस्तों मेरी वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना मत भूलिए। और जहाँ तक हो सकता है जो हमारे जो फ्रेशर सिविल इंजीनियर हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, और जो बिल्डिंग ओनर होते हैं, जो बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, जो लिफ्ट का प्लान के हिसाब से बनाना चाहते हैं, तो उनको भी शेयर कीजिए। तो इंशाल्लाह हम एज़ सून एज़ पॉसिबल न्यू वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।